नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं द खबर वाला। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सोमवार को जारी कर दी गई है। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव बैठे विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी की है। जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में खूब बवाल मचा था। हाई कोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.13% है, वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% और सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने कहा है कि 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक में बिहार में जाति आधारित गणना कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद से 2 जून 2022 को राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर राज्य में जाति आधारित गणना को दो चरणों में फरवरी 2023 तक संपन्न करने का निर्णय लिया गया था। अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने कहा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर राज्य सरकार ने राज्य के सभी धर्म एवं जातियों की गणना को संपन्न कराया है। बिहार राज्य में हुई गणना के अनुसार पूरे बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 पाई गई है। इसमें बिहार के बाहर में रहने वालों की संख्या 53,72,022 है, तो वहीं पर बिहार राज्य में रहने वालों की कुल जनसंख्या 12,53,53,288 है। इसमें से पुरुषों की कुल संख्या 6,41,31,990 है, जबकि महिलाओं की संख्या 6,11,38,460 है। अन्य की संख्या पर 82,836 पाई गई है। गणना के अनुसार 1,000 पुरुषों पर 953 महिलाएं पाई गई हैं। इनमें पूरे बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार सर्वेक्षित किया गया है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक हिंदुओं की संख्या है। इनकी संख्या 10,71,92,958 है। बिहार में मुस्लिम की संख्या 2,31,49,925 है। वहीं पर ईसाई की संख्या 75,238 और सिख की संख्या 14,753 है। बौद्ध की संख्या 1,11,201 और जैन की संख्या 12,523 है। बिहार सरकार की ओर से राज्य में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जाति जनगणना कराई गई है। सरकार का कहना है कि इसके आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।